तो आज हम दोबारा बात करेंगे दुबई की जॉब्स के बारे में, टीचिंग जॉब्स के बारे में जो कि हाई इन डिमांड है। सर्टिफाइड टीचर से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस जो हैं वो प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल्स में भी अवेलेबल हैं। साथ साथ आपको जो है वो सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है जो कि टैक्स फ्री सैलरी होती है टीचिंग जॉब्स के लिए, जिसकी जो रेंज है वो 9,000 से लेकर 15,000 दरहम है पर मंथ, और जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये 7 लाख से अबव है। पे में टीचिंग की जॉब करते हैं तो आपको सैलरी के साथ साथ काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे और आप इंजॉय कर सकेंगे अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पे में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इंक्लूडिंग अकोमोडेशन एंड मेडिकल इंश्योरेंस, और इसके साथ साथ आपको लो कॉस्ट ऑफ डे टू डे लिविंग जो है वो भी इंक्लूडेड है। दुबई में जो टीचिंग जॉब्स अवेलेबल हैं दे रेंज फ्राम किंडरगार्टन एंड प्राइमरी टीचर्स टू मिडल एंड सेकेंडरी स्कूल पोजीशंस। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स भी अवेलेबल हैं जिसमें आप वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और हेड की जो ड्यूटीज़ हैं वो कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर जो है वो रिलोकेशन भी आपको रिक्वायर्ड है, आपको रेजिडेंस वीज़ा भी जो है वो एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाएगा। सो आपने किस तरह से टीचिंग जॉब्स के लिए दुबई में अप्लाई करना है ये जानने के लिए आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपने जो है वो गूगल को ओपन कर लेना है, सर्च करना है आपने टीच अवे दुबई, तो आपको सबसे ऊपर जो टॉप पे है ये लिंक नज़र आ जाएगा teachaway.com का, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है टीचिंग जॉब्स के बारे में, और मैंने वहाँ पर प्रोफाइल भी क्रिएट की थी, अकाउंट भी बनाया था। सो आपने वो वीडियो चेक कर लेनी है अकाउंट बनाने के लिए और प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए। सो यहाँ पर जो है आपने टॉप पे देखें तो आपको नज़र आ जाएगा टीच इन दुबई यूएई, और यहाँ पर देखें आप स्क्रॉल डाउन कर लें, यहाँ पर काफ़ी सारी जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं। टॉप पे जो है वो है जी अबू धाबी कैंपस है जी शारजा अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पर जो है वो टीचर की जॉब अवेलेबल है। इस तरह से आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं आपको जो है वो डिफरेंट जॉब्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगी, मैथ टीचर की भी हैं, और यहाँ पर आपने जो व्यू ऑल जॉब्स जब करेंगे तो आपको बाकी जॉब्स भी नज़र आ जाएगी। बाकी जो है यहाँ पर डिटेल्स हैं जो कि मैंने आपसे स्टार्ट में भी शेयर की हैं कि किस तरह से आप जो है वो वहाँ पर टीचिंग की जॉब कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसका जो ट्रस्ट रेट है वो कितना है, देन हम जो है वो बाकी डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले हम इसको स्कैम एडवाइज़र पे चेक कर लेते हैं, देन हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट जॉब्स के लिए teachaway.com को। जब हमने स्कैम एडवाइज़र पे चेक किया तो इसका स्कोर जो है वो 100 out of 100 है, इसका जो ट्रस्ट रेटिंग है वो हाई है इसकी। सो अब हम इसकी जॉब चेक कर लेते हैं। अप्लाई करने से पहले जो है वो कुछ डिटेल्स देख लें। यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है जो कि बिल्कुल फ्री है। आपने यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन देखनी है तो यहाँ पर बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ जो है वो आपने अगर जो है वो इंग्लिश जो है अगर आपने पढ़ानी है तो उसके लिए आपको जो है वो बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। और इसके साथ साथ जो है वो बाकी डिटेल्स यहाँ पर मैंशन हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, यहाँ पर सारा मैंशन है कौन कौन सी जो है वो रोल्स जो हैं वो आप वहाँ पर उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्राइमरी टीचर्स के लिए, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट जो है वो यहाँ पर जो है वो पोजीशंस अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर बेनिफिट्स देख लें और इनकी जो सैलरी रेंज है वो भी यहाँ पर मेंशन है। आप ये सारी डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है। और आपको जो है वो एयर फेयर, वर्किंग आवर्स के बारे में अगर जानना है वो भी यहाँ पर मेंशन है। अकोमोडेशन भी जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस है, और यहाँ पर जो है वो बाकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं व्यू ऑल जॉब्स पे क्लिक कर दूंगी। यहाँ पर जो है वो 760 वैकेंसीज जो हैं वो अवेलेबल हैं टीचिंग जॉब्स इन यूएई, ठीक है। ये सारी जो है वो यूएई की जॉब्स हैं, यहाँ पर आप चेक करते जाएं, ठीक है। ये सारी जो है वो डिफरेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस वगैरह हैं जिनमें ये जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि यूएई में जो है वो टीचर्स की बहुत अच्छी सैलरीज होती हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी उनको मिलते हैं, सो ये सारी जॉब्स जो हैं
इनके साथ वो सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप इन पे अप्लाई करते हैं। आप इनको चेक कर लें, देन जो है वो आपने क्या करना है, अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, व्यू जॉब डिटेल्स पे भी कर सकते हैं और क्विक अप्लाई पे भी क्लिक कर सकते हैं। व्यू जॉब डिटेल्स करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है इसमें से कोई जॉब जो है वो चूज़ कर लेते हैं और देन उस पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक जॉब को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सिस्टम एडमिन की रिक्वायरमेंट है, दुबई में ये जॉब चाहिए, स्कूल है प्राइवेट जिसके लिए रिक्वायर्ड है और इसमें जो है वो 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी फैकल्टी, और यहाँ पर बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है, 2 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर साइंस में आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। जॉब डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पर चेक कर लें, ठीक है। ये सारी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो इसके लिए रिक्वायर्ड है, आपने इसको पढ़ लेना है अच्छी तरह से, देन आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना है। क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेरा अकाउंट भी बना हुआ था, मैंने प्रोफाइल भी क्रिएट की हुई है और यहाँ पर देखिए मुझे मैसेज आ रहा है कि मेरी जो प्रोफाइल है उसमें अभी कुछ जो है वो मिसिंग डिटेल्स हैं, तो मैं उनको फिल आउट कर लूँ, ठीक है। लेकिन आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप उन सारी डिटेल्स को फिल कर लेंगे तो आपके चांसेस जो है वो ज़्यादा हाई हो जाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिल आउट मिसिंग सेक्शन ऑफ़ योर प्रोफाइल टू अचीव अ प्रोफेशनल प्रोफाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को जो है वो अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है और देन आपने जो है वो अप्लाई करना है। सो मैंने जो है वो कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह से ओपन हो गया। मैंने अपनी जो रिज्यूमे अपलोड की हुई थी ऑलरेडी, प्रोफाइल स्ट्रेंथ मेरी इंटरमीडिएट है और मुझे प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाने के लिए यहाँ पर जो है, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स जो है ना स्कैंड कॉपीज अपलोड नहीं की हुई थी, तो ये उसके लिए जो है वो मुझे यहाँ पर मैसेज एक रिसीव हुआ है कि मैं अपनी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट कर लूँ। सो आपने भी जो है वो इसी तरह से यहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे तो ये देखें टॉप पे आपको इसको ड्रॉप एरो जो है इस पर क्लिक करें तो आपको डैशबोर्ड भी नज़र आ जाएगा, प्रोफाइल भी और सेटिंग्स भी। डैशबोर्ड पे क्लिक कर लें आप यहाँ से तो आपको अपना डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। प्रोफाइल कंप्लीट करनी है तो आप वहाँ से प्रोफाइल भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें दोबारा से मुझे एक नोटिफिकेशन रिसीव हुई है कि अपनी जो मिसिंग सेक्शंस ऑफ योर प्रोफाइल है उसको कंप्लीट कर लें। सो जब तक आप जो है वो उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल नहीं होगी। सो आपने अगर दुबई की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आपने उसको पहले जो है उसको प्रोफेशनल बनाना है, देन आपने अप्लाई करना है। मैं आपको क्योंकि यहाँ पर जस्ट बता रही हूँ कि किस तरह से करना है, तो इसलिए मैंने अभी अपनी प्रोफाइल को जो है वो कंप्लीट नहीं किया हुआ। सो आपने जो है वो अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे देखें सजेस्टेड जॉब्स भी नज़र आ जाएंगी, एप्लीकेशंस भी नज़र आ जाएंगी और यहाँ पर जो है वो इन्विटेशंस भी जो है वो नज़र आ जाएंगी, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पर आप चेक कर लें सर्टिफिकेशंस के सेक्शन में और जॉब्स के सेक्शन में, ठीक है। आपने इसको यहाँ पर चेक कर लेना है। सो आपने इसी तरह से जो है वो डिफरेंट दूसरी जॉब्स को भी चेक कर लेना है, उन पे भी अप्लाई कर लेना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे आपको जॉब चाहिए या जैसे जो आपकी एजुकेशन के साथ मैच करती है आपने अप्लाई कर लेना है, सिंपल सा तरीका है। और स्टिल आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में मैंशन कर देना है। सो आप जल्दी से अप्लाई कर लें क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर मेंशन करना है।